हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ऑल इन वन में। इस वीडियो में मैं आपको EPFO से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप EPFO से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट पर अपने आप को लॉग इन करना पड़ेगा। अब EPFO के थ्रू हर यूज़र को जिसका कि EPFO पे अकाउंट है उसको एक UAN नंबर मिल रहा है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इस अकाउंट के थ्रू अब आपको अपने एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट नहीं रहना, अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र कराने के लिए या अपने पैसे निकलवाने के लिए। अब डायरेक्टली आप अपना UAN अकाउंट से नंबर के थ्रू जो है आप EPFO की वेबसाइट पर लॉगिन करके वहाँ से अपना सारा डिटेल्स ले सकते। उसके लिए जो सबसे पहला जो इन रिक्वायरमेंट है वो है आपको अपना UAN नंबर एलोकेट करवाना। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, EPFO की वेबसाइट पर जाके आपको अपना UAN नंबर एलोकेट कराना पड़ेगा। उसके लिए तीन ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास मेंबर आईडी है, जो कि शुरू शुरू में जिनके पास जिन्होंने अपना EPFO खुलवा रखा है उनको अपना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको स्टेट के बाद से उसके अंदर जो सिटी है जिस सिटी में आप काम करते हैं वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से रीजन ऑफिस, ये सारा का सारा आपका जो है, जो आपको मेंबर आईडी मिलता था, पहले UAN नहीं था, पहले मेंबर आईडी मिलता था, वो आपने मेंबर आईडी मेंशन करना है। अगर आपके पास मेंबर आईडी नहीं है तो आप अपना UAN करवा सकते हैं अपने आधार कार्ड के नंबर से। आपने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद से अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको एक पिन आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। ये इन्फॉर्मेशन आपकी चेक की जाएगी जो कि ऑलरेडी EPFO के ऑफिस में आपका रिकॉर्ड है। तो तीन मेथड्स हैं, एक तो आपका मेंबर आईडी, जो कि जब भी आप EPFO में अपना अकाउंट आपका एम्प्लॉयर खुलवाता है तो आपको ये मेंबर आईडी मिलता है। इन केस काफ़ी टाइम हो गया आपको मेंबर आईडी याद नहीं है तो आप आधार कार्ड से कर सकते हैं या पैन कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पैन कार्ड, जो भी अपना पैन कार्ड एंटर कीजिए, उसके बाद से अपना नाम एंटर कीजिए, बस अपना नाम आपने एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है, मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। ये मैं डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आपने एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालनी है इसको आपको, अगर आपने अपना UAN जनरेट करवाना है। उसके बाद आपने ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद से फाइनली आपने कैप्चा। अब ये कैप्चा, जिससे कि ये साइट वेबसाइट चेक करती है कि कोई स्पैमिंग तो नहीं कर रहा, उसके लिए जो आपने ये कैप्चा एंटर करना है। जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे उसके बाद से आपने क्लिक करना है गेट ऑथोराइजेशन पिन। आपके पास आपके मोबाइल पे एक पिन आएगा, उस पिन को आपने ऑथोराइज करना है। उस पिन को दोबारा से आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, उस पर आपने वो पिन डालना है। जब आप वो पिन डालते हैं तो ये वाला आपका UAN का फर्स्ट प्रोसेस, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन, या जो आपका UAN एलोकेट होगा वो आपको मिल जाएगा। आपको मैसेज आएगा कि आपका UAN ये है और आपने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक पासवर्ड भी आएगा। उस UAN और पासवर्ड को जाके आपने जो है इनकी वेबसाइट पे जाके यूज़र नेम और पासवर्ड अपना डाल के यहाँ पे आपने लॉग इन कर सकते हैं। जब आपका UAN आपको एलोकेट हो जाएगा तो आपने यहाँ पे आके ये आपका पोर्टल आ जाता है। इस पोर्टल में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए, इसमें आपका ये UAN कार्ड होगा जो कि आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के थ्रू। ये आपका प्रोफाइल होगा, ये आपकी सर्विस हिस्ट्री होगी, उसके बाद से आप अपने मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स कर सकते हैं, अकाउंट में आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, और ऑनलाइन सर्विसेज में
और आप क्लेम करना चाहते हैं या अपने क्लेम का स्टेटस देखना चाहते हैं, वो सारा का सारा आप अपने इस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन चीज़ है वो है आपका UAN एलोकेट कराना। एक बार जब आप UAN एलोकेट करा देते हैं तो आपके पास ये लॉगिन स्क्रीन है जिसके थ्रू आप सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है जान सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।